हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं माधुरी टैरो लव लाइट वन वन में आपका स्वागत करती हूँ। ईश्वर ने हमारे लिए राजदूत बनाए हैं जो हमारी मदद कर सकें, पर हम जान नहीं पाते हमारी लाइफ में उनकी उपस्थिति है भी कि नहीं। मैं इस वीडियो में यही बताना चाहूँगी हम कैसे उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। अपनी परेशानी एंजल को बताएं मेडिटेशन के द्वारा। बस आपको ये सोचना है एंजल आपकी बातें सुन रही हैं। हमारी लाइफ में एवॉक हो सकती है उनकी चैंटिंग के द्वारा। अहिम अहिम शब्द की चैंट करें। ये बोलें, मैं आपके मैसेज रिसीव के लिए रेडी हूँ। आप उनसे रिलेशन बनाएं, तभी आप एंजल से मैसेज ले पाएंगे। कभी ऐसा होता है ना, हमारे माइंड में जो सवाल चल रहे होते हैं उनका आंसर हमें न्यूज़पेपर के द्वारा, कभी कोई ऐसी लाइन देखने पढ़ने सुनने को मिल जाती है जिसमें हमारे क्वेश्चन का आंसर छिपा होता है। हम बैठे होते हैं, अचानक से गूज़बम्प आ जाते हैं, कभी हमें आवाज़ आती है, कोई हमें बुला रहा है, कभी एक प्यारी सी खुशबू हमें फील होती है। ड्रीम से हमें पता चल जाता है हम जो सोच रहे होते हैं वो सडनली हो जाता है। बादल में रेनबो दिखाई देता है, आकृति आती है। हम रास्ते में चलते हुए कॉइन मिल जाते हैं। तो ये क्या है संकेत? एंजल हमारे आसपास हैं। अभी 2 दिन पहले क्या हुआ पता है? मेरे रूम में मैं बैठी हुई थी और मुझे वहाँ फैदर मिल गए। तो कोई सवाल ही नहीं है वहाँ फैदर आने का। वहाँ कोई पशु पक्षी भी नहीं आते। मुझे उन्हें देख के बहुत खुशी हुई। तो आप अपनी लाइफ में एंजल से कम्युनिकेट करें, कनेक्शन बनाएं, एक रिलेशन बनाएं, तभी आप एंजल से मैसेज ले सकते हैं।